हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्लूपर लाइफ। और आज हम लोग करने वाले हैं द हु इज मोस्ट लाइकली टू चैलेंज। बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स जिनको हम इनवाइट करना चाहेंगे अपने चैनल पे, तो प्लीज गेस्ट्स आ जाएं। फीचरिंग शेप ऑफ लाइफ एंड हस्बैंड, हमारे फादर जी एंड हमारी मदर जी आए हैं आज इस चैनल पे। तो आज हम करें हु इज मोस्ट लाइकली टू चैलेंज, बट उसमें एक बहुत ही घटिया सा ट्विस्ट लाए हैं हम, पता नहीं क्यों करते हैं। गुड फॉर हेल्थ, तो हमारा जो ट्विस्ट है वो है कुछ इस प्रकार। दिस इज मड। ये गेम बहुत ही ज्यादा बेसिक रूल्स के ऊपर है। उदय को ये गेम बिल्कुल नहीं खेली थी। मड में उसको अपना फेस तो बिल्कुल नहीं डालना। कोई रीजन नहीं, आप सिर्फ मड बर्बाद कर रहे हो। इससे ज्यादा गोरा नहीं मिल सकता। अगर चांद इस चेहरे को एक साथ खड़ा कर दे तो हम दोनों मिक्स हो जाएंगे। Oh my God! मोस्ट लाइकली टू का क्वेश्चन पूछेंगे और जिसमें लगता है हमारे दोनों पेरेंट्स को कि कौन कर सकता है वो, उसका मुंह इसमें जाएगा। ये एक क्वेश्चन मम्मा को एक बार और फिर पापा को। Are you ready? Yes. ये लोग तो रेडी हैं, इनको तो कुछ करना नहीं, प्रॉब्लम तो हमें होनी है। तो आज आप बहुत कुछ जानेंगे इन दोनों नटखट बच्चों के बारे में। इसके बाद आपको पता लगेगा कि कौन कितना ज्यादा अच्छा बच्चा, कौन कितना ज्यादा पानी में है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। पापा कह रहे हैं कि ट्रायल करो। आपने इसको मुंह डुबाने की, आप हैशटैग टीम उदय से हो। ओके, हैशटैग टीम उदय। एक्सक्यूज मी, मतलब हम चीटिंग करने वाले हैं आज। यस, एक्चुअली मैं हैशटैग टीम उदय जो कभी चीटिंग नहीं करती, हम सच दिखाते हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे मम्मा के साथ। तो क्वेश्चंस हम लोग रीड करेंगे और वो अपना रिप्लाई बिना कुछ बोले सिर्फ हमारा मुंह डुबा कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज मोस्ट लाइकली टू वॉच रोमांटिक मूवीज? ओह गॉड, लगा ही नहीं। यस, पूरे लगा भी नहीं अभी, इधर रह गया। चलो, वो ज्यादा थ्रिलर मूवीज देखता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो रोमांटिक भी देखता है पर वो थ्रिलर ज्यादा देखता है। टीम उदय है ना, ये मुझे लग रहा है, पता चलता है। हैशटैग टीम उदय एवरीबॉडी, हैशटैग टीम उदय। सेकंड क्वेश्चन, पापा की टर्न है। सो उदय, हु इज मोस्ट लाइकली टू गो अ वीक विदाउट अ शावर? पापा, मैं बहुत प्यार करता हूँ। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, हु इज मोस्ट लाइकली टू गिव ऑल देयर मनी टू चैरिटी? ये तो मेरा जाने वाला वो मेरे को पता है। बातों से या उन सब चीजों से? जैस्मिन। यस यस, भाई वो कर सकता है, साइंस साइंस की बातें ये करता है। मुझे लगता है आज ये लोगों ने कुछ पैक करा के आया मेरे खिलाफ। ये दोनों हैशटैग टीम होते हैं। यस, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत गलत। मेरी स्किन एकदम ठीक है, ठीक है, मुझे इतने स्किन की कोई जरूरत नहीं है। Who is most likely to be a drama queen or king? भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, क्वेश्चन भी ऐसे हैं। Who is most likely to get arrested? पापा, वो जाया गया ही नहीं उसका मुंह। Who is most likely to do weird things in public? अभी लग रहा है मैं जाने वाला हूँ, पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं करता ऐसी चीजें। मैं क्या करूं, उसका एक भी नहीं किया ना मैंने, बट वैसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रही है, मैं क्या करूं जैस्मिन? ये वियर्ड थिंग्स वो ही कर सकती है, ये तो इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट है कि पब्लिक में तो वियर्ड चीजें क्या ही करेगा, तो खुद भी जानती है। मुझे नहीं खेलना, ये गलत हो रहा मेरे साथ यार। Who is most likely to eat the highest number of burgers within 10 minutes? इसको लग ही नहीं रहा, पर तो सुंदर बहुत लग रही है, देख जरा। Who is most likely to get married first? जैस्मिन। क्यों जैस्मिन? नो, अकॉर्डिंग टू बातें कर। बड़ी है तो जैस्मिन। दीदी, मैं नहीं जाऊंगी अब। दीदी, मैं नहीं जाऊंगी अब। मैं इंट्रोवर्ट हूं। जैस्मिन बड़ी है तो जैस्मिन। भाई मैं क्यों, बड़ी
यार बाल मत खराब करो, मैं क्या करूं, बाल मत खराब करो इसके। तूने सारे क्वेश्चन ऐसे देख के लिखे हैं क्या? तुझे मुंह डुबोना है मिट्टी में। कोई नहीं, वीडियो बंद भी होनी है। Who is most likely to fail a driving test? पापा देख कर सोच के बोल दो मैं क्या करूं। Who is most likely to get in a fight? वो मैं इंट्रोवर्ट में किसे लगता हूँ? ये दोनों है, दोनों। भाई मैं क्यों? को गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जैस्मिन तो वुमेन एम्पावर की बात करती है हमेशा, लड़ने के लिए तैयार, और ये भी अपने राइट्स के लिए हमेशा लड़ने को तैयार है, दोनों ही लड़ने को तैयार है। Who is most likely to faint if they met their favorite celebrity? दीदी दीदी रणबीर कपूर फैन, बिल्कुल आ गया। मैं जा रही हूं और ये सच है। I want to die. लेकिन जब तो फेस नीचे, मेरा पूरा मूड उबा बड़ा है। नहीं ये देखो अभी यहाँ से Who is most likely to stay at home on a Friday night? पापा अब ये तो आपको पता है कि घर पे कौन रहता है। अब मैं घर पे बिल्कुल रहता हूँ, मैं बाहर में घूमता हूँ। मेरे घर पे बोल दिया लग। कितने अच्छे faces, सुंदर faces लग रहे हैं ना? Who is most likely to worry about small things? छोटी चीजों के परेशान हाँ जैस्मिन होती है। जैस्मिन होती है यार, मुझे पता है जैस्मिन होती है। जैस्मिन ही होती है। जैस्मिन Who is most likely to have a 1 hour shower? Oh, okay. Not only 1 hour, मतलब 1.5 hours, कहीं पर तो 2 घंटे ही वॉशरूम में होता है। तो ऐसे थोड़ी चांद जैसी स्किन है। एक तो स्टफी ने मेरे को परेशान कर दिया, मेरे पैर खा रहा है वो स्टफी। छोटे बेबी खाए गो। आज हमारी ट्रीट में छोटे पपीज हुए हैं और स्टफी को देख इतना ज्यादा एक्साइटेड है ना, जरा सा भी बोल रहे हैं छोटे बेबी खाना, तो ऐसे हो रहा है की हाँ जाना है मुझे उनके पास। ब्लॉग में दिखाएंगे। हाँ Who is most likely to be a stand-up comedian? मैं introvert हूँ। दोनों ही हैं। मैं नहीं हूँ। बस। Who is most likely to have a messy room? उदय। हम लिया उदय का मुंह डाल दिया जैस्मिन का। मेरा कमरा सबसे साफ कमरा होता है पूरे घर में। Yes। अब तो नहीं है ऐसा। क्योंकि तू रहने लगी है साथ में। Who is most likely to be a world traveler? World traveler? हाँ। मैं हो नहीं सकता। उसको पता तभी उसने उधर मुंह कर लिया पहले ही। इसका मम्मा पापा का बर्थडे नहीं याद रहता। दिसंबर में होता ना। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय की होगी हमारी ये सुंदरता। आई होप आप लोगों के फेस पे स्माइल आई होगी। अगला आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। सो अंटिल देन हैव अ ब्लूपर लाइफ। ये स्माइल कितनी बढ़िया है। अंधेरा हो गया बिल्कुल लाल। गेस्ट को पे टाइम बहुत लगता है।